पे कहाँ आ गया मी? इधर फेफड़े बाहर आ गए मुंह से, इधर हो लगी पड़ी। यार बड़ा भयानक सपना था यार। क्या बात कर रहा है, इतनी हॉट लड़की थी भयानक कायब है। मेरे सपने के बारे में तेरे को कैसे पता है? लो कर लो बात। अबे स्ट्रगलर, ये टीवी इंडस्ट्री है, यहाँ सपना भी शूट करना पड़ता है, समझे? खुश हूँ। तू गंदे टकले, what's up? क्या बोला? गंदे टकले, ये टकला, तू गंदा। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि पता है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनमें से एक महिला ऐसी है कि तेरे दान पेटी की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो तेरे कान में गोली मार देगी। जी हाँ, आज की टीम से मैं आपको मिलाती हूँ। आज एंटरटेनमेंट की रात प्रेजेंट्स टू यू द टीम ऑफ फुकरे रिटर्न। विचा, आपका हाल ही में ना एक फोटो वायरल हुआ था। हाँ। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस फोटो के साथ करना चाहते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। रिचा जी का जो फोटो वायरल हुआ वो लगाया जाए। रिचा चड्डा, रिचा फुल पैंट। रिचा, मैं बस जानना चाहूंगी, जनरली हमने चड्डा के आगे मिस्टर और चड्डा के बाद साहब सुना है, किसी खूबसूरत लड़की का नाम उसके पहले नहीं आया, तुम्हें कितना चढ़ा गया होगा लाइफ लॉन्ग मम्मी के चप्पल के साथ। यार डैडी का नाम है चड्डा, अनफॉर्चुनेटली बचपन से चढ़ाते हैं तो मैं कुछ इम्यून हो गया। आजकल मैं खुद ही मजाक उड़ाती हूँ, चड्डा चड्डा पहन के आया ऐसे। वैसे हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं ना रवि, घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाया जाता है कि आर से नाम निकला क्या रखें, कहते रिचा रख दो, है ना, पी से निकला पुलकित रख दो। अंग्रेजों में ऐसे नहीं होता, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता है बुश रख दो। बच्चा हंसते से पैदा तो माइकल हंसी रख दो। मम्मी का दिल बहका डेविड बैकम रख दो। बाप का मूड बना टॉम मूडी रख दो। ऐसे नाम रखते हैं अंग्रेजों में। मलिष्का, तुमको पता होगा तुम्हारा नाम भी अजीब सा ही है। मेरा नाम बहुत सुंदर है। मलिष्का का नाम पता है सबको, पूरा नाम नहीं, क्या है? मलिष्का मेंडोंसा। मलिष्का मेंडोंसा, अरे पंजाबी ले ही नहीं सकते। पंजाबी बंदे नहीं ले सकते बैंडा वाले, बैंडा वाले। पंजाबी ले नहीं सकते क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश लगता है, ऐसा लगता है किसी ने मेंदू वड़ा और डोसा को मिक्स करके बनाया। मेंडोंसा नाम में ही डॉन है। वैसे नाम से याद आया चूचे, अपने नाम के बारे में बता तू हमें, किसी ने खुन्नस में रखा था, कैसे रखा था ये नाम? इतना क्यूट नाम है चूचा, like... देश भर में नाम लो भाजी, स्माइल आती है इससे, क्यूट नाम हो सकता है? नहीं आती, भूख लगती भी चूचा बना के खा लेते। आपका कौन सा अलग सा नाम है बोल रहा है? एक मिनट, तुम बता भाजी, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो राइटर साहब है, उनका ये खोज थी इस नाम की, जो कैरेक्टर भी है चूचा, वो कभी भी कुछ भी करते रहे तो चूचा, कुछ भी करते रहे तो चूचा। वैसे अरे ले डीप थॉट गया, ऐसे मजाक में थोड़ा ना, कमाल ऐसे लग रहा था ऑडिशन में कर दिया, बोला ये लगता है ये लुक्स लाइक अ चूचा, मैं इतना हंसा था मेंडोंसा पे। पुलकित इतने गौर से हमें देख रहा है, पुलकित मेरी आंखें नहीं हट रही है ना, वो पीछे तू प्लीज मूव से बोलर डालिए एक बार पुलकित के लिए। पुलकित जी, सुना है बचपन में तुम स्कूल में बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं तो अभी भी नॉटी हूं। नहीं पर स्कूल में सबसे शरारती, सबसे नॉटी थिंग तुमने क्या की थी? मेरी मेडिकल रूम में जो टीचर होती थी, एक बार मुझे जेन्युइनली, मैं तो रोज जाता था वहां पर कि बंक करके क्लास वहां पे चला गया, अटेंडेंस लगा दी कि यहाँ चोट लगी है, इधर पेट में गैस है, जो मर्जी आप लिख दो बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो वो परेशान होगी मुझसे, ये साला रोज आ जाता है। एक दिन जेन्युइनली मुझे लगी है, उसने दवाई लगाने से मना कर दिया कि तू फिर से इसीलिए आया है। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं मेडिकल रूम के बेड पे सुसु करके आया था। रवि तुम्हें को मजा आ गया, पंजाबी ऐसे ही बदला लेते हैं। वो मेडिकल टीचर रिपोर्ट में दिया नहीं कि आपको शुगर है। अपने स्कूल का बताता हूँ, इतने बदतमीज लड़के थे, टीचर कहती थी ध्यान दिया करो तो लड़के बोलते थे दे रहे हैं मैडम, आप ही पढ़ाई में लगी हुई हैं। यार
इन दोनों की बकवास चलती रहेगी, प्लीज डोंट पे अटेंशन। इन लोग के ऐसे गांव से आते हैं ना जहां पर अगर इन्होंने एक रेकड़ी देख ली, ठेला देख लिया तो कहते ओह माय गॉड फोर व्हीलर कार। भाई होते ठेले में चार टायर। भाई मेरे को ना वैसे जेन्युइनली इतनी हंसी आई नहीं थी। ये मुझ पर खुन्नस निकाल रहा है अभी। ये मैं बता दूं सबको, वरुण पारी भी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं। तो हमारे डीएनए में है उसकी बातों पे ना सुना। उनके साथ के साथ हुआ हो के डायरेक्टर ने बोला हो के अभी हम लोग परसों एक इंटीमेट सीन शूट करने वाले हैं, तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है क्योंकि इतना बड़ा क्रू रहेगा वहाँ पे, तीन चार दिन मेंटली प्रिपेयर होता है, फिर एक्शन बोला जाता है, फिर इधर से हीरो ना इधर से आप गए, जैसे होंडो के पास होंडा डायरेक्टर बोल दे कट ये सीन नहीं भी करेंगे चलेगा, घुड़सवारी वाला सीन करते, घोड़ा लेके आओ। प्रेपरेशन तो करते हो ना भाजी, टेंशन तो होती होगी थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, हम सारी टेंशन प्रेपरेशन में निकाल देते हैं। डू यू नो इट्स नॉट फन एट ऑल। आप चार लोग खड़े होते हैं, आपको लगता है सिर्फ हीरो हीरोइन अलग अकेले हैं, नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, पीछे कोई लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई बोम पकड़ के खड़ा है, कोई माइक की वायर एडजस्ट कर रहा है, इसमें क्या इंटीमेसी होगी यार। रूम में कम से कम 50 लोग होते हैं और बोलते हैं लेफ्ट हो जाओ, उसकी नाक से आपकी नाक कवर नहीं होनी चाहिए, तो आपका एंगल कुछ अलग ही बनता है। रिचा के लिए जोरदार सीटियां हो जाएं। क्या बात है। अच्छा मुझे सीटी बजानी रिचा ने सिखाई थी पहली फुकरे में। व्हाट तुम्हें सीटी बजानी आती है? प्लीज यू हैव टू टीच अस। रिचा ने अपनी उंगलियां मेरे मुंह में ऐसे डाली, बोला ऐसे जबान को घुमाओ, अभी ऐसे फूक मारो, ये करो वो करो। वाओ मैं 10 दिन तक जानबूझकर सीखा ही नहीं। पिक्चर खत्म, मुझे मारनी आती थी। कैसे दो कैसे ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ, अब ये उंगली नीचे कर दो, हाँ। और ये दो उंगली चढ़ा लो ऊपर वापस, अब जीभ रोल करो। पहली बार मेरे को देख के लड़की ने सीटी मारी है। पाजी लेकिन एक बात बताओ, हाँ। आपने इंटीमेट सीन का क्वेश्चन रिचा से पूछा, पुलके से पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा? एक्चुअली में क्या, हमारे ऐसे लोगों ने रिफ्लेक्टर पकड़ा होता है। बट वरुण पा पता है फिल्मों में तो होता है इंटीमेसी सीन, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और इनको पता होता है कि ये सीन क्या है। हमारी रियल लाइफ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरी तो होता, आप अपना देख लो। वरुण, हाँ जी, तुम इस फिल्म में स्टार्ट से सपना देखते आ रहे हो और तुम्हारे सपने सत्य होते जा रहे हैं, ऐसी रियल लाइफ में कभी हुआ है कि तुमने कोई सपना देखा है जो सच हुआ है? यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। तो मम्मी जब बच्चे को कह नहीं देते हाँ चलो ठीक है बेटा बन जाना अभी जा खाना खा लो, तो वो वाला सीन हो गया था। बट करते करते एंड कमिंग फ्रॉम जलंधर एंड यू नो गेटिंग अ चांस टू डेब्यू विद अ फिल्म लाइक फुकरे, थिएटर में इंट्रोड्यूसिंग वरुण शर्मा देखना, तो मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। वैसे सपना इसका भी था बॉम्बे आने का, जो सच हो गया। अब इसके बाप के पास एक ही किडनी है। स्ट्रगलरों की दुनिया। चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया वरुण पा, एक ही किडनी है। तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक क्या सपना? कि दोस्त तेरे घर पे जाए और पूछे अंकल रघु कहाँ है और बोले बाल कटवाने गया है, कभी पूरा नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बता। इसकी काली काली आंखें गाना सुन के मुझे याद आ गया, इसी की कहानी है ये। इफ ही अग्रीज ये सुनाएगा। नहीं नहीं, इसको सुनाना ही पड़ेगा। अग्री व्यक्ति क्या होता है? अत कमाल कहानी है, अत कमाल। सुना दे यार, एडिट कर देंगे। तो सामने सेंटर स्टेज, कम ऑन, क्या बात है। मेरे को नहीं डर, मेरे को इस बात का हाइप बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं इतनी फनी होगी ना। तो बेसिकली ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था कॉलेज में, तो उससे ना ब्रेकअप हो गया। वो ना बड़ी अग्रेसिव थी, मतलब वो वैसी थी कि अगर उसके घर पे मेरा बॉडी वॉश रह जाए तो घर पे छोड़ने आएगी। बॉडी वॉश रह कैसे जाए पहले ये तो बताओ। एक बारी ना क्लबिंग गए थे, सैटरडे की बात थी, तो हम ऐसे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना क्लबिंग। ये ब्रेकअप के बाद की बात है, लड़की को छोड़ चुका है, लड़की गुस्से में आके बॉडी वॉच और लूफा वापस करके गई है, ये ले चलो खाने के लिए। और हम ना एक क्लबिंग गए थे, ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई, पैसे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के करिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्लबिंग गए, तो मेरे और फ्रेंड सर्कल वगैरह सीखे, तो हम सारे ना पार्टी करने गए थे बाहर, तो ऐसे खा पी रहे, फ्रेश लाइम सोडा पी रहे थे और सब चिलिंग चिलिंग कर रहे थे। और ना रेट्रो नाइट थी भाजी उस दिन, तो ना गाना चल रहा था तुरुरु तुरुरु,
ठीक है, तो ना वो जो लड़की ना वो भी एंटर करी और वो ना जो बार टेबल होता है बार उसके वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रही थी, ठीक है, छोटे ग्लास में। तीसरा ऊपर से गया पाजी। तो मेरा ना पाजी एक दोस्त है, उसने ना एकदम से ना वो समझ, वो भी अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था, तो ना उसको पता नहीं चला, तो पहले देखा उसको समझ नहीं आया, देखा फिर दूसरी बार देखा समझ नहीं आया, देखा तीसरी बार देखा कहता हो गया, सीधा गया उसको ऐसे उठाया, कहता मैडम एक मिनट, कहता प्रॉब्लम क्या है आपकी, मतलब आपकी लाइफ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शाहरुख खान हमेशा आपको बचाते रहे। बिल्कुल बताते हैं। तुम वो बचपन में जो किया करते थे सोफे पे खड़े रहकर, वो एक बार देखना चाहेंगे हम, देखना चाहेंगे ना, काली काली आंखें एक बार सोफा पे हो ही जाए। देखने के बाद थोड़ा ओ हो जाएगा ना। ट्विटर नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बोलती है, और इस चिड़िया ने आप लोगों के बारे में काफी सारे फैक्ट्स उठाकर हमारे सामने फेंके हैं। सो वी आर गोइंग टू शो यू अ फ्यू तस्वीरें जो आपकी मेरी सारी ट्वीट्स मत दिखा देना। सारी तो हम देख ही नहीं पाए। अच्छा एक ही पे रुक गए, बाप रे। ऑलराइट चलो एक ही दिखाते हैं, लेट्स सी।